अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां होंगे वहां खुश होंगे। आज हम सरसों के साग की रेसिपी के साथ आए हैं। सरसों के साग को जो है मैंने अच्छे तरीके से कटिंग करके इसको अच्छे तरीके से 2-3 दफ़ा इसका पानी निकाल लिया, इसको साफ़ कर लिया था और अब मैंने एक पतीली के अंदर जो है वो इसको डाल दिया है। अब इसका पानी जो है देखेंगे नीचे बैठ गया है और पानी उसने छोड़ दिया। अब इसके अंदर जो है हम एक लहसुन की पोथी लेंगे, उसको जो है हम कट करेंगे और हम 5-6 मिर्ची लेंगे, उसको जो है हम इस साग के अंदर डाल देंगे और इसको तकरीबन जो है तकरीबन 40-45 मिनट लगेंगे आपको। बिल्कुल हल्की आँच पर आप इसको रख दीजिएगा ताकि जो साग है वो अच्छे तरीके से गल जाए हमारा और पानी जो है वो रिमूव हो जाए। थोड़ा सा पानी इसके अंदर रहेगा उस वक्त हम इसको घोटा लगाएंगे। आप जो है वो सिंपल जो है मिक्सर, उसे मिक्सर के अंदर डालकर भी आप इसको जो है वो साग को जो है वो कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी जो है वो साग को जो है वो अच्छे तरीके से जो है इसको पीस लीजिए। इस मिक्सर से भी बहुत अच्छे तरीके से मतलब बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और इस तरीके से भी बहुत अच्छे तरीके से पीस जाता है। देखिए हमने जो है वो साग को अच्छे तरीके से पीस लिया था और ये साग जो है हमारा पानी बिल्कुल सूख चुका है और अच्छे तरीके से बन रहा है। ये आधा जो है वो मैंने निकाल लिया था, घोटने से पहले मैंने इसको निकाल लिया था। अब हम इस पॉइंट पे जो है इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। पहले नमक शामिल मत करिएगा, इस पॉइंट पे नमक शामिल करिएगा। अब हमने जो है वो देसी घी लिया और देसी घी का जो है हम तड़का लगाएंगे। हमने ये लहसुन लिया, उसको बारीक काट लिया, 3-4 हरी मिर्ची ली है और इसके अंदर जो है वो हमने लहसुन को जो है वो लाइट ब्राउन कर लेना है। अब हम जो है वो इसका तड़का लगाएंगे। देखिए मैंने साग के अंदर जो है वो तड़का लगा दिया है। आप इस टाइम पे तड़का लगाकर इसको थोड़ा सा जो है वो चला लें, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें और जिस टाइम आप सर्व करें आप उस टाइम भी तड़का लगाएं। ये देखिए ये फाइनल लुक है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ईजी, बहुत क्विक रेसिपी है और बहुत ही मज़े का साग बनता है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।